इस वक्त की बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। झारखंड में ईडी का एक्शन लगातार जारी है। कल लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज के लिए मतदान होना है, लेकिन उससे ठीक पहले झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह एक्शन झारखंड कांग्रेस के बड़े लीडर और सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के करीबी के ठिकानों पर हुआ है। रांची में ईडी ने 9 ठिकानों पर रेड की है, जिनमें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर का घर भी शामिल है। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ है और ये वीडियो आप देख भी रहे हैं कितनी ज्यादा संख्या में नोट मिले हैं। ईडी की टीम ने आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से लगभग 20 से 30 करोड़ कैश बरामद किया है। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया गया था और यहां से 350 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ था। अब झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता आलमगीर आलम के करीबी के घर ईडी का एक्शन हुआ। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कई इंजीनियर्स के घर पर भी छापेमार कार्रवाई चल रही है और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ मंत्रियों के घर भी ईडी की टीम कार्रवाई को अंजाम दे सकती है। और किस तरह से ये पूरा मामला सामने आया उसकी जानकारी हमने आपको दी। अब सीधे ग्राउंड जीरो में हमारे सहयोगी अमित पालित के पास चलते हैं, जो लगातार वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अमित, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो झारखंड में इस वक्त सियासी हलचल है क्योंकि कैश का अंबार मिला है, कैश का पहाड़ मिला है और ईडी की कार्रवाई के बाद सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो तस्वीरें सामने आई किसके घर से मिला है, पहले आपको बता दें आलमगीर आलम जो मंत्री हैं इस वक्त झारखंड सरकार में, उनके निजी सचिव के नौकर के घर में ये कैश मिला है। एक नौकर के घर में इतना कैश मिलना, निशिकांत दुबे जो बीजेपी के नेता है उन्होंने ट्वीट करके कहा और साथ ही इंडिया टीवी से बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि 30 करोड़ आंकड़ा भी लगता है लेकिन आगे चलकर ये करीब करीब 50 करोड़ तक जा सकता है। तो इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है ईडी के लिहाज से। ईडी ने एक्शन किया, कल लोकसभा चुनाव के थर्ड फेज के लिए वोटिंग होगी और ठीक उससे पहले झारखंड में ईडी की बड़ी कार्रवाई होती है और एक्शन के दौरान 6 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जाती है और एक घर से, एक नौकर के घर से, जो पीए यानी कि मंत्री के पीए के नौकर के घर से करोड़ों रुपए कैश मिलता है। रांची में ईडी के 9 ठिकानों पर इस वक्त रेड चल रही है, जिसमें झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर घर में शामिल हैं। मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से नोटों का जखीरा बरामद हुआ है, जो तस्वीर आप देख रहे होंगे। ईडी की टीम ने आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर से करीब 20 करोड़ कैश बरामद किया है और साथ ही आपको बताएं कि पिछले साल दिसंबर में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकाने पर छापेमारी की गई थी। कांग्रेस के सांसद हैं, 350 करोड़ रुपए कैश मिला था उनके घर से, कई दिनों तक नोटों की गिनती चलती रही थी। अब झारखंड कांग्रेस के बड़े नेता आलमगीर आलम के करीबी के घर से ईडी का एक्शन हुआ। इसके अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय के इंजीनियर के घर पर भी 2023 में जो छापेमारी हुई थी और उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई थी उसी के मद्देनज़र आज की भी ये कार्रवाई हो रही है। तो फरवरी 2023 में ईडी ने जब कार्रवाई करते हुए अभियंता, मुख्य अभियंता थे ग्रामीण विकास विभाग के, गिरफ्तार किया गया था वीरेंद्र राम को और उसी के बाद लगातार इस मामले में एक्शन होता रहा और आखिरकार यहाँ पर आज जब छापेमारी हुई तो एक दो नहीं बल्कि करोड़ों नोट मिले और करीब करीब 30 करोड़ से ज़्यादा बताया जा रहा है निशिकांत दुबे के ओर से कि कैश मिला है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है 30 करोड़ रुपए से अधिक और काउंटिंग जारी है। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता, झारखंड सरकार के भ्रष्टाचारी शिरोमणि हेमंत सरकार के मंत्री आलमगीर आलम के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। संजीव लाल के आवास पर ईडी को मिला 30 करोड़ से अधिक कैश, प्रदीप यादव के पार्टी की कहानी। तो ये जो कैश आप देख रहे हैं, अंबार जो लगा है, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आपको याद होगा इससे पहले जब एक और दिसंबर के महीने में कांग्रेस के एक और नेता धीरज साहू के घर पर, या वो कहें कि उनके जो फैक्ट्री के ऊपर जब ईडी ने छापेमारी की थी तो उस दौरान नोटों का अंबार मिला था, 350 करोड़ रुपए मिले थे। उसके बाद एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी में
30 करोड़ रुपए मिले हैं। हमारे साथ अतुल भाटिया जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे पहले तो एक चीज जानना चाहते हैं कि अभी तक क्या ताजा अपडेट आ रहा है कैश को लेकर। देखिए अमित, पहले तो मैं आपको अपडेट दे दूं कि जो रेड्स हुई है वो जहांगीर आलम है। ये जहांगीर आलम के यहाँ से ये पूरा कैश बरामद हुआ है। कैश इतना बरामद हुआ है कि अभी तक गिनती जा रही है, और अभी जो बैंक, क्योंकि 10 बजे खुलते हैं, उसलिए नोट गिनने की मशीनें बुलाई गई हैं ताकि इन नोटों की गिनती हो सके। जहांगीर आलम कौन है, हम आपको बता दें कि जहांगीर आलम जो है वो आलमगीर आलम, जो कि मिनिस्टर है झारखंड में, उनके पीए संजीव लाल का नौकर है जहांगीर आलम, उसके घर से ये कैश बरामद हुआ है। और ये पूरा मामला क्या है अमित, दरअसल पिछले साल यानी कि फरवरी 2023 के अंदर एक चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम को अरेस्ट किया गया था। पीएमएलए का पूरा मामला था, कमीशन वो लेता था, जो सड़कें बनती थी झारखंड के अंदर उसमें कमीशन के मामला था, उसकी कई प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया था, करोड़ों की प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया था। और माना यह जा रहा है कि अभी तक वो इन पूरे टेंडर से जुड़ा हुआ था, जबकि उसकी गिरफ्तारी जो है वो ईडी ने फरवरी 2023 के अंदर की थी। तो पीएमएलए का केस इसके अंदर रजिस्टर किया गया था, लगातार इन्वेस्टिगेशन ईडी की तरफ से की जा रही थी, और पिछले करीब एक महीने से ईडी को इस बात की जानकारी मिल रही थी कि जो झारखंड के अंदर कई जगह मंत्री संतरी उनका पैसा जो है वो उन्होंने अपने नौकरों के यहाँ या अपने पीएस के नौकरों के यहाँ वो छुपाया हुआ है। तो इसके लिए लगातार इनपुट्स लिए जा रहे थे, लगातार जो ईडी की टीम है वो सर्विलांस कई लोगों का कर रही थी, और उसके बाद जब पुख्ता जानकारी मिलती है कि जहांगीर आलम जो कि मंत्री के पीएस का नौकर है उसके यहाँ पर भारी कैश हो सकता है, वहां पर सुबह ईडी की टीम पहुंचती है। और ईडी की टीम जब पहुंचती है तो उसके बाद बताया जाता है कि हम ईडी से आए हैं। वहां पर जब पूरी सर्चिंग घर के अंदर की जाती है तो वहां से भारी कैश मिलता है, साथ में जो है वो सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स भी ईडी की टीम के साथ थी, भारी संख्या में पुलिस बल था। और उसके बाद जब वहां पर रेड की जाती है जहांगीर आलम के घर पर, तो वहां से ये कैश रिकवर हुआ है। जो अभी हमें फिलहाल जो जानकारी दी गई है कि काउंटिंग अभी चल रही है, रुपया जो है वो 50 करोड़ के आसपास हो सकता है। लेकिन अमित, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि और भी कई ठिकानों पर अभी ईडी की रेड्स जारी है, अभी सिर्फ ये जहांगीर आलम का घर है जहाँ पर इतना कैश बरामद हुआ है, और भी कई ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पर ईडी को इस बात के इनपुट्स है कि कैश वहाँ पर भी छुपाया गया है, रखा गया है। इसको लेकर लगातार रेड्स जो है वो ईडी की टीम कर रही है। तो फिलहाल जहांगीर आलम का घर, जो कि मंत्री के पीएस का नौकर है, वहां से ये कैश बरामद हुआ है। माना जा रहा है कि सीधा लिंक इससे मंत्री जी का है, उनको निश्चित रूप से ईडी पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो अब झारखंड सरकार के लिए काफी जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती है, क्योंकि जो मंत्री है आलमगीर आलम उनको ईडी अब पूछताछ के लिए बुलाएगी। तो पूरा जो मामला है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। जो चीफ इंजीनियर है वीरेंद्र राम, उनको फरवरी 2023 के अंदर ईडी ने गिरफ्तार किया था मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। कमीशन जो है वो सड़कें बनाने के अंदर, सड़क निर्माण व अन्य टेंडर जारी करने के बदले 3% से लेकर 1% तक कमीशन लेने की बात जो है वो कबूल की थी वीरेंद्र राम ने। तो अब जब जहांगीर आलम के यहाँ रेड्स की गई है, और भी हमें बताया गया है 9 से 10 ठिकाने हैं जहां पर ईडी की टीम पैरामिलिट्री फोर्स के साथ मौजूद है, लगातार जो है वो रेड्स जारी है, और जो काउंटिंग अभी यहाँ पर जहांगीर आलम के घर पर हो रही है वहां पर अभी कैश। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर जरा गौर से आप इस तस्वीर को देखिए। नोटों के बंडल आपको नजर आ रहे होंगे, 500 के नोट है। अब बंडल में देखिए, आप गिनते रहिए, सिर्फ ये आपको अंबार नजर आ रहा होगा। इस तरह से नोट आंखों के सामने हो तो एक यकीन नहीं होता है, और वो भी सोचिए किसके घर से मिला है। पीएस आलमगीर आलम कौन है, सबसे पहले समझिए, कांग्रेस के बड़े नेता हैं झारखंड के, और साथ ही साथ झारखंड सरकार के मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्री, यानी कि गाँव वगैरह में उनको विकास करने की जिम्मेदारी, और उनके जो निजी सचिव है पर्सनल सेक्रेटरी राजीव लाल, और राजीव लाल के जो नौकर हैं उनके घर पर ये नोट मिले हैं। ये नोट अगर आप हाथ से गिनना शुरू करेंगे तो थक जाएंगे, इतने नोट हैं इसमें, और इसी से लंबा वक्त लगेगा इसको गिनने में। अभी तक जो आंकड़ा निकल कर सामने आया हुआ है मैं आपको बताता हूं, वो है 20 करोड़ रुपए कैश एक मामूले से नौकर के घर पर मिला है। और जो नौकर है वो भी कौन है, पीएस पर्सनल सेक्रेटरी मंत्री के हैं। दूसरी बड़ी बात है कि जो आंकड़ा 20 करोड़ हम बता रहे हैं, वही बीजेपी के जो नेता हैं निशिकांत दुबे, सांसद हैं झारखंड से ही, उनका कहना है कि यह आंकड़ा 30 करोड़ है। ट्वीट किया उन्होंने, जब इंडिया टीवी से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि अभी तो रुकिए, यह आंकड़ा 30 नहीं, 30 को भी पार करेगा और 50 करोड़ तक जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूं कि अभी जो आंकड़ा है, देखिए जैसा कि कहा था यह आंकड़ा बदल गया है, अब 30 हो चुका है आंकड़ा। तो 30 करोड़ रुपए कैश मिले हैं
तो और तस्वीरों में आप देखिए, यही आपको 30 करोड़ के नोट नजर आ रहे हैं। लेकिन ये सोचिए कि ये है ठिकाना किसका है, ये पीएस आलमगीर आलम जो मंत्री हैं कांग्रेस के बड़े नेता झारखंड के, उनके निजी सचिव के नौकर के घर पर ये पैसा मिला है। और ये आंकड़ा अब 30 करोड़ को छू चुका है, 30 करोड़ रुपए, जैसा कि पहले से हम इंडिया टीवी पर बता रहे हैं आपको, ये आंकड़ा हो सकता है और बड़े 40 और 50 को भी छुए। लेकिन चुनाव से ठीक पहले आप समझ रहे हैं कि इतना कैश बरामद होना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार इतना कैश रखा क्यों है और इतना कैश आया कहां से है। निशिकांत दुबे का मानना है कि आलमगीर आलम और साथ ही साथ इससे पहले जो उनके सहयोगी रहे हैं वो भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं उसी के तहत हुआ है। आपको बता दें 2023 में ये मामला ऐसा नहीं कि आज ही खुला है, आरोप लगा सकते हैं। फरवरी 2023 में जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उसके जो इंजीनियर है वीरेंद्र राम गिरफ्तार किए गए थे, उसके बाद से लगातार ईडी इस पूरे मामले में छापेमारी कर रही थी और छापेमारी के दौरान ही इस पर ईडी की कार्रवाई हुई। और आज जाकर जब आलमगीर आलम के पीएस के नौकर के घर पर छापेमारी हुई तो वहां से 30 करोड़ रुपए ही मिले हैं, करीब 30 से के करोड़ रुपए अभी तक मिले हैं। और इसको लेकर बताया जा रहा कि आंकड़ा तक हो सकता है। तो अतुल से बात करते हैं। अतुल, ये जो पैसा मिला है, लगातार जो छापेमारी चल रही थी, ये पूरा जो एक साल का वक्त था, आखिरकार ईडी ने किस तरह से कड़ियों को जोड़ते 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 आखिरकार पीएस के नौकर के घर तक पहुंचे हैं? देखिए अमित, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पिछले साल 2023 में शुरू हुई थी और फरवरी 2023 के अंदर जो वीरेंद्र राम है उनको गिरफ्तार किया गया था। वीरेंद्र राम कौन है? ये चीफ इंजीनियर है और इनके ऊपर आरोप ये है कि जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें जो सड़क निर्माण का काम होता था उसमें जो टेंडर की जो पूरी एक तरीके से जो टेंडर दिए जाते थे उसमें जो कमीशन है वो इसको मिलता था वीरेंद्र राम को। तो उसके अंदर ईडी ने पूछताछ के बाद वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी की थी। कई करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज जो है वो वीरेंद्र राम की अटैच की गई थी और ईडी को शक इस बात का है कि 10,000 करोड़ रुपए के टेंडर जो है वो इस दौरान अलॉट किए गए और इसका मोटा कमीशन जो है वो मंत्री जी के पास पहुंचा। मंत्री जी पैसा तो नहीं रख सकते अपने पास, तो उन्होंने पीएस के नौकर, और आप यकीन मानिए अमित, अभी इसके अलावा और भी कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पर ईडी की रेड्स चल रही है। ईडी का कहना है कि थोड़ा इंतजार करना होगा, अभी तो यहां पर कैश जो है वो गिना जा रहा है, और भी कई ठिकाने हैं वहां पर भी कैश मिल सकता है जिसके लिए ईडी जो है वो लगातार रेड्स की जा रही है। ये फरवरी 2023 का मामला है जब वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी की गई थी, लेकिन लगातार पीएमएलए का केस रजिस्टर उस समय किया गया था, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की गई थी और उसी को लिंक बनाकर, क्योंकि जो कमीशन होता है वो ईडी के ऑफिसर कहना है कि वो उनको जानकारी थी कि वो ऊपर तक जाता है, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है अमित यहां पर कि जो कैश जहां पर रखा हुआ है उसको रिकवर करना, उसके लिए लगातार ईडी की जो टीम है वो अपने सोर्सेज के हवाले से लगातार इसके लिए काम कर रही थी, कहां ये कैश हो सकता है, कहां रखा जा सकता है, क्योंकि अगर बिना पुख्ता जानकारी के रेड्स की जाए तो निश्चित रूप से कैश जो है उसको छुपाया जा सकता है, कहीं और रखा जा सकता है। तो यही कारण था कि लगातार पीएमएलए का केस रजिस्टर करने के बाद ईडी की जो टीम है वो लगातार सर्विलांस के जरिए कुछ लोगों से पूछताछ कर रही है कि मंत्री आलमगीर आलम उनके मंत्रालय में इस तरह से अगर अधिकारी गिरफ्तार होते हैं भ्रष्टाचार के मामले में, उनके पीएस के नौकर के घर इतना पैसा मिलता है, तो जाहिर सी बात है क्या मंत्री जी को पता ही नहीं आखिरकार क्या चल रहा है? तो तिराग चले के अंधेरा है, चिराग तले अगर अंधेरा है, तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई में ही मंत्री जी को इस बारे में कोई भी संज्ञान या कुछ भी जानकारी नहीं है? लेकिन अब बीजेपी को मौका मिला है, बीजेपी इस पूरे मामले को चुनाव के दौरान उठाने जा रही है। बहरहाल झारखंड में जो चुनाव है वो शुरू होंगे 13 मई से, 13 मई को पहला फेज होगा जब वहां पर चुनाव होने जा रहे हैं, 3 फेज में वहां चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे।